हेलो दोस्तों, ये है स्कॉर्पियो का W3 ओल्ड मॉडल, जो कि मैंने पिछले 2 साल पहले लिया था, इसको परचेस किया था और इससे मैंने बहुत सारे काम कराए और मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। बीच में मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी, ये थ्रेड इसका ख़राब हो गया था, तो मैंने इसे अलग से मंगाकर इसको चेंज कर दिया। अभी फ़िलहाल ये एकदम मस्त चल रहा है। कुछ टाइम से दोस्तों मेरे में एक और प्रॉब्लम थी, एक साइड पे मैं काम करा रहा था और ये इसका जो गन है, इसका थ्रेड बिल्कुल एकदम ख़राब हो चुका था, बार बार उसको निकालने लगाने की वजह से। तो दोस्तों उस दिन साइड पे मुझे एक ये वायर मिला इलेक्ट्रिकल, उसको मैंने इसमें डायरेक्ट लगाकर इसको जाम कर दिया। और ये दोस्तों मैंने 6 महीने से इस गन को अभी तक ओपन नहीं किया है, क्योंकि मैं सोचा जब तक गन नहीं ले लेता तब तक इसको खोलूँगा तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए इसको हमेशा इसमें लगे रहने दिया। अभी तक मैं इसको 6 महीने से ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ दिन पहले ये कज़ार ब्रांड का गन ऑर्डर किया था, काफ़ी कुछ इसमें अच्छी चीज़ें मुझे लगी देखकर अमेज़ॉन पर, तो मैं सोचा इसको ऑर्डर करता हूँ, इसको देख भी लेता हूँ और मेरे काम भी आ जाएगा। तो दोस्तों मेरा ये जो गन था वो पूरी तरह से आप देख सकते हैं ब्लॉक है, इसको मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये अभी खुलता भी नहीं, आसानी से खुलेगा भी नहीं। तो उसके लिए मैंने ये एक ऑर्डर किया था पिछले हफ्ते, ये आ चुका है मेरे पास। और मैंने देखा अमेज़ॉन साइट काफ़ी कम प्राइस में मुझे कई सारे चीज़ मिल रहे हैं, गन भी सॉलिड मिल रही है इंडस्ट्रियल लेवल की, तो मैं इसे तुरंत परचेस कर लिया। और सबसे खास बात इसमें यह है कि इसके साथ आपको टिप होल्डर मिल जाता है, जो कि आप नेट पे सर्च करेंगे तो कहीं भी आपको जल्दी अवेलेबल नहीं होगा। तो स्पेशली मैं इसके लिए भी परचेस किया हूँ इस गन को, और इस गन की क्वालिटी बहुत ही शानदार है दोस्तों। इसका ये जो ट्रिगर है वो काफ़ी सॉफ्ट है और हैवी ड्यूटी का लग रहा है मुझे ये गन। तो आइए अब मैं और भी चीज़ें इसके साथ जो मिली हुई हैं वो मैं आपको पहले शेयर करता हूँ, फिर मैं आगे आपको इसको यूज़ करके भी दिखाऊंगा। तो इसके साथ आपको दोस्तों 3 तरह के जो थ्रेड हैं पॉइंट वो मिल जाते हैं। ये एक स्मॉल टाइप का जो आपको थ्रेड आता है लगाने के लिए, जैसे कि स्कॉर्पियो का XNT करके आता था प्रेशर वॉशर, उसमें ये लग जाता है, और भी कई सारे प्रेशर वॉशर हैं राजा के, उसमें भी ये लगते हैं दोस्तों। उसके साथ आपको एक ये होल्डर और मिलता है, इसको लगाने से आपका ये M22 साइज़ का जो है, जो आपके स्कॉर्पियो वेंट्रो IMX या फिर JPT के गन में जो लगते हैं, वो हॉर्स पाइप इसमें अब लग जाएंगे इसके थ्रू। और दोस्तों अगर आपके पास कोई कॉमर्शियल प्रेशर वॉशर है तो दोस्तों उसमें ये एक 3x8 का NPT जो थ्रेड लगता है, उसके लिए भी ये एक होल्डर दिया हुआ है, इसको अडाप्टर भी बोल सकते हैं आप, तो ये भी आप इसमें फिट करके यहाँ पर वो लगा सकते हैं आप। फ़िलहाल तो अभी मेरे पास कॉमर्शियल प्रेशर वॉशर अवेलेबल नहीं है, अभी मेरे शॉप पर है, तो मैं आपको आज केवल स्कॉर्पियो W3 के साथ इसको यूज़ करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी इसमें आसानी से फिट हो जा रहा है, और ये टोटली ब्रास का है, ये पेंटेड नहीं है, क्वालिटी भी इसकी काफ़ी हैवी ड्यूटी लगी मुझे दोस्तों। ये आप थोड़ा भी इस पर रगड़ के देख लीजिए, ये पेंट नहीं इसका उतर रहा है, तो क्वालिटी इसकी नो डाउट बहुत ही शानदार है। और दोस्तों इसके साथ आपको 4 टिप नोज़ल मिल जाते हैं अलग अलग साइज डिग्री के, तो इसको भी ज़रा देखते हैं ओपन करके। ये आपका जो टिप नोज़ल है, इसमें आपका ये एक 40 डिग्री का आपको मिल जाता है दोस्तों, ये एक 0 डिग्री का, और ये दोस्तों है आपका 15 डिग्री का नोज़ल, और ये ग्रीन वाला जो है वो 25 डिग्री का एक टिप नोज़ल मिल जाता है। तो और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, टिप होल्डर जो होता है वो ऑनलाइन जल्दी अवेलेबल नहीं है अमेज़ॉन पे, तो ये सबसे अच्छी बात है, आप डायरेक्ट यहाँ पर इसको ऐसे लगा सकते हैं, फिर यूज़ करने में भी आसान है और जल्दी ये गायब नहीं होंगे, छोटे होते हैं इसको रखना थोड़ा मुश्किल होता है कहीं भी, तो आप ऐसे अब इसको स्टोर करके रख सकते हैं आसानी से। ये देखिए दोस्तों देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और ये पकड़ के आप गन से आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आपको एक ये अडाप्टर भी मिल जाता है, QC कनेक्टर, ये भी ब्रास का दिया हुआ है, क्वालिटी भी इसकी भी अच्छी है। एक छोटी सी रॉड है ये जो लगी हुई, ये आपके स्टील की, वो भी काफ़ी मज़बूत लग रही है मुझे दोस्तों। इंटरनल जो पार्ट हैं वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से दिखाऊंगा, फ़िलहाल मैं आपको स्कॉर्पियो W3 के साथ यूज़ करके एक बार दिखा देता हूं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए जल्दी से आप इसको फिट करके देखते हैं।
तो दोस्तों आपको मैं अब यूज़ करके दिखाता हूँ इसका परफॉर्मेंस। दोस्तों ये रहा स्टार क्यू W3 का ओल्ड मॉडल। बोस मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक का मेरा सबसे बढ़िया प्रेशर वॉशर यही रहा, कम प्राइस में सबसे दमदार प्रेशर वॉशर अभी तक मेरा चल रहा है, एकदम सुपर कंडीशन है। हल्का सा ये वाटर का जो लीकेज है उसको मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा, उसका जो वाटर सील है वो थोड़ा सा कट गया है, इस वजह से लीकेज आ रहा है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों अब इसको यूज़ करते हैं। इसमें मैंने 40 डिग्री का जो नोज़ल है, टिप नोज़ल, वो लगाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए रेडी। ये देखिए दोस्तों, कोई लीकेज नहीं, एकदम ज़बरदस्त इसका परफॉर्मेंस है, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये मैं बताना चाहूँगा कि 220 बार तक ये प्रेशर झेल सकता है, अभी मैंने चेक तो नहीं किया है, इन फ्यूचर में करके भी आपको एक बार दिखाऊंगा ज़रूर, ठीक है दोस्तों। ये आपके जो मैंने बिटाली का 2200 HBW लिया था उसमें भी ये कनेक्ट हो जाएगा, उसके लिए भी इसमें जो अडाप्टर है वो दिया गया है, ठीक है दोस्तों। 15 डिग्री का भी नोज़ल आपको मैं एक बार यूज़ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है, और दोस्तों इस प्राइस में आपको इससे बढ़िया गन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके साथ आपको एडाप्टर मिल जाता है, कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें लगाने के लिए थ्रेड, और ये होल्डर जो है वही आपका लगभग 400 से 500 के करीब आता है, वैसे तो मिलता ही नहीं है बट इसमें मिल रहा है, ये सबसे अच्छी बात है दोस्तों। और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी दमदार है, मुझे बहुत ही पर्सनली अच्छा लगा ये चीज़ देखकर कि इसका क्वालिटी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें मैं एक बार 0 डिग्री का जो नोज़ल है वो भी यूज़ करके देखता हूँ, 0 डिग्री का इसको यूज़ करते हैं। ये देखिए दोस्तों, एकदम मस्त क्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं, आप परचेस कर सकते हैं। तो ये कज़ार ब्रांड दोस्तों कुबेर सेल्स की तरफ से आता है, जिनकी प्राइसिंग अमेज़ॉन पे सबसे बेस्ट है। आप इनके कज़ार ब्रांड का जो अभी नया प्रेशर वॉशर आया है वो भी काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि वो कम प्राइस में आपको फोम बॉटल भी दे रहे हैं, कई सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये भी गन जो इसका है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे इसका जो गन बहुत सॉलिड लगा। आप इसे परचेस कर सकते हैं, और अगर आपको परचेस करना है तो मैं आपको अमेज़ॉन का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको परचेस कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक बार आपको स्टार क्यू AWP में भी इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ चलाकर, इसका प्रेशर थोड़ा सा दमदार है, तो इसमें देखते हैं कैसा ये चलता है। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रेशर है इसका, और कोई लीकेज नहीं है, सबसे बड़ी बात है। अभी मैं आपको एक बार इसका 40 डिग्री नोज़ल भी यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। लगा दिया मैंने 40 डिग्री, तो फाइनली दोस्तों मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर हमेशा जब मैं इस जो भी प्रोडक्ट होता है उसको यूज़ जब तक कर लेता हूँ तभी मैं आपको राय रखता हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन में दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और आफ्टर 2 मंथ में मैं इसका वीडियो एक डालूँगा ज़रूर शॉर्ट, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये कैसा चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएँ कमेंट में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।